हमारे बीच में बनी सिंह मीणा जी हमारे बीच में है और प्रदेश प्रभारी हैं, जो टीचर एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आज का जो धरना प्रदर्शन है, इसका एक क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है। मीणा जी, आज जो धरना प्रदर्शन दिया है, आप युवा हैं, तो आज इस धरना प्रदर्शन से क्या तात्पर्य है, क्या निकलेगा? देखो, आज जो धरना प्रदर्शन किया है शिक्षक हित के लिए, वो एलजी ने हमारी बातें मांग ली गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो एक सकारात्मक रूप की तरफ जो है अग्रसर है। आपकी क्या मांगें मान ली गई हैं? जो हमारे रिजर्वेशन पे जो कुटाराघात हमला हो रहा है, हमारा जो प्रमोशन वाला जो मामला है, रोस्टर प्रणाली का भी जो सिलसिला है, उसकी मांगों को लेकर हमने एलजी साहब को ज्ञापन दिया है। क्या क्या मांगे रखी थी आपने? जो पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव जो है कि हमारी जो डीपीसी जो है वो रोकी गई थी, और जो प्रमोशन का जो रोस्टर था, रोस्टर का एक जो हमारा प्रमोशन था वो रोस्टर के तहत नहीं हो रहा था, सीनियरिटी लिस्ट थी, वो सीनियरिटी लिस्ट के तहत सारा कार्य रुका हुआ था, सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर वो प्रमोशन नहीं कर रहे थे, तो वो जो उसका हमने ज्ञापन किया था वो एलजी हाउस को वो ज्ञापन। लेकिन अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि जो आज ये उपराज्यपाल जी ने माना है कि जो मेयर से गलती से साइन करा लिया, एक इतना बड़ा जो एक पूरे दिल्ली को चला रहे हैं, पूरे दिल्ली के प्रशासन और शासन को चला रहे हैं, वो कह रहे हैं मेयर से गलती से साइन करा लिया गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब राज्यपाल कह रहे हैं कि मेरे से गलती से साइन करवा दिया है, तो खुद राज्यपाल कबूल कर रहे हैं कि मेरे से गलती से साइन करवा लिया है, दबाव डलवाया है, तो ये एक आम आदमी पार्टी के जो है सीएम साहब केजरीवाल, तो ये हमारे शिक्षकों के साथ जो धोखा किया है, तो उसको खुद राज्यपाल कबूल कर रहे हैं कि मेरे से गलती से करा दिया, तो हमारे साथ एक अन्याय किया गया है, तो वो राज्यपाल महोदय जी ने भी बताया है, तो इस बात को मेरे ख्याल से अब वो दोबारा लेटर जारी करेंगे, उसके बाद हमें जो हमारा हक है वो मिलेगा। मनीष जी, मीणा जी, आगामी योजना क्या रहेगी इस तरीके के धरने प्रदर्शन को लेकर? ये है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारे जो साथी है वो तादाद की संख्या में आएंगे और आगे आंदोलन को हम जारी रखेंगे। लेकिन बनी सिंह जी, कुछ लोग कहा जाता है कि अगर टीचर ही हैं, अगर कोई गलत काम हो जाता है तो वो ये कहते हैं पर रिजर्वेशन से आया होगा, आरक्षण से आया होगा, एक गाली के रूप में इस तरीके से उन्हें बोला जाता है। जी जी जी, ऐसे बोलते हैं। अभी एक एम्स हॉस्पिटल का आपके मामला आया हुआ, वो जनरल वाला डॉक्टर था, तो क्या वो रिजर्वेशन से आया था? यदि उसकी जगह हमारा एसटी एससी कैंडिडेट होता तो सारे पूरे हिंदुस्तान में उसकी न्यूज़ छप जाती कि ये रिजर्वेशन से आया है, जबकि वो जनरल वाला था, तो वो अपनी माल लेके आया था, वो 1,00,000 रुपये करोड़ रुपये देके वो डॉक्टर बना था, वो मेहनत से नहीं बना था। अब उसकी जगह हमारा एसटी एससी का होता तो सारी न्यूज़ में पूरे हमारे ऊपर जो है वो कुटाराघात हमला कर दिया होता। नहीं तो आप न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि जो मीडिया है उसने नहीं दिखाया, जो आज जो सोशल मीडिया है, आज सोशल मीडिया के तहत मैं इस चैनल के माध्यम, अपने चैनल के मैं प्रशंसा नहीं करवा रहा कि जो और जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो बातों को नहीं दिखा रहे। आज आपका यहाँ सैकड़ों की तादाद में धरना प्रदर्शन था, लेकिन यहाँ कोई मीडिया नहीं आया। इससे पूछो ये, सबसे पहले तो मैं ऐसे मीडिया को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सारे जो फोटोज हैं शिक्षक एकता के, सारे कर्मचारियों के, वो कवरेज करते हो। मैं तो सबसे पहले आपको बधाई दूंगा और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि जब जब हमारा आंदोलन हो, आप सक्रिय अपनी भूमिका निभाए, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं हमारे शिक्षक साथियों की तरफ से। बनी सिंह मीणा।